हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद निशा। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आई थिंक प्रॉपर इस तरीके से इंट्रो शूट कर रही हूँ। सो हैप्पी सरस्वती पूजा, क्योंकि आज है सरस्वती पूजा। तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मैं कल ही सारा बाजार वगैरह कर चुकी हूँ। मैं बाजार की तो उसका मैं व्लॉग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि कल मायापुर से आने के बाद मैं बहुत ज्यादा ही थक चुकी थी। तो मैंने कोई उस टाइम पे कोई व्लॉगिंग नहीं किया, घर आकर मैं व्लॉग एंड कर दी थी। तो अभी बस जा रही हूँ मैं पूजा वगैरह करने, मंदिर साफ करने, पूजा वगैरह करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आज मुझे कोलकाता भी जाना है, तो किस लिए जाना है ये सब आपको बाद में देखने मिलेगा। मेरा कोई शॉपिंग नहीं है। आप लोग सोचेंगे शादी खत्म हो गया फिर भी इसका शॉपिंग चल रहा है, तो नहीं, मेरा भी कोई शॉपिंग नहीं है। हाँ, किसी और का करना है, तो किसके लिए करना है ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बस चलते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, और आपको मैं दिखाती भी हूँ कि हमारे मूर्ति हमने कैसे लिए है कल। अभी यहाँ पर मैंने बोला ना कि जो भी नहीं नहाया है ढंग से वो गंगा जल छिटवा लो। तो विनता का सबसे पहले था कि मेरे ऊपर तो गंगा जल आया ही नहीं है। हाँ, नहीं नहाएगी इसलिए शायद। वैसे नहीं उठाते हैं, वैसे किसी के तुम्हारे सर पर के नहीं उठाते हैं। नहीं तो सर पर उठा दो बस। बोलो सरस्वती माई की जय। दर्शन करने वाले हैं। मुख दर्शन वैसे नहीं होता, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। हम इसलिए क्यों डायरेक्ट मुख दर्शन ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, आराम से दिखाना चाहिए। प्लास्टर निकाल दो। तो सब उधर कर दो दीदी, यहाँ पे बुक कॉपी ले लो। पेंसिल बैग में पेन है रिफिल वाला कि खाली ही सब है? पेन वाला, रिफिल वाला। पर टॉप करवा देना, पढ़ाई मत करो। यहाँ पे हमारा पूजा करना हो चुका है, और अब मैं बैठ रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करती हूँ, फिर रेडी होना है, फिर कोलकाता के लिए भी निकलना है। तो बस फटाफट मैं, गुंजन और लवली तीनों एक साथ ही बैठ रहे हैं। आ जाओ गुंजन, जल्दी आओ, आओ वगैरह करते हैं, फिर मैं आपसे आराम से मिलती हूँ। क्यों मिलती क्या हूँ, निकलती हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आज हम लोग क्या लहंगा ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो सब। होप सो लहंगा वाले जगह पे जाकर मैं वीडियोस कर पाऊँ, होप सो, पता नहीं, कन्फर्म। चलते हैं। और नींद पुरानी होने से ना, शादी के टाइम से नींद पुरानी हो रहा, अजीब सा आँख, मतलब ना फेस भी पूरा डल डल सा हो गया है। तो बस ये सारा काम करते हैं, खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं। आज मेरा लेट हो गया था, बहुत भागे। ये लोग हम लोग को ट्रोल कर देंगे कि ये लोग को सिर्फ लेट ही होता है, रियल लाइफ में ये होता है। कोई नहीं बताता है तो अलग बात है, हमारे साथ होता है, हम बताते हैं। सबके साथ होता है। कोई बहुत क्लासी बनने के लिए कुछ नहीं बताएगा, हम बता दे रहे हैं। तो हम लोग बस निकल चुके हैं, ट्रेन में है, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जो सच है, तो सच की कहानी। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और बस इसके लिए जाना था। वो लोग आने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी किसके लिए क्या खरीदना है। तोते वाले भैया का, बहन का शादी, तो किरण का शादी है, इसलिए हम लोग किरण के लिए लहंगा लेने जा रहे हैं। आएगी तो फिर मिलाती हूँ मैं उससे। वो एक्चुअली क्या बना, किरण को अनिशा का लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरा दोनों लहंगा उसको बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वो बोले कि निशा दी आप चलिए, मुझे भी, सॉरी नॉट निशा दी, भाभी आप चलिए मुझे भी उसमें का दिलवा दीजिए। या फिर हम बोले कि उसमें का क्यों ले रही हो, वैसा लेना है तो सेम टू सेम यही वाला, मैंने फिर भी निशा वाला ले लो। तो हमने बोले चलो चल के देखते हैं, अगर आप पसंद उससे अच्छा कुछ या फिर वैसा टाइप का कुछ लेंगे, अगर वो पसंद नहीं आएगा फिर निशा वाले दे देंगे। जो मैंने जो अपने एंगेजमेंट पे पहना था वो वाला बोलेगी, हाँ तो वो दे देंगे। चलते हैं, सभी आते हैं, वो लोग दो स्टेशन बाद आएगी तो फिर तो यहाँ पर जो भैया आने वाले थे, सुधांशु भैया और उनकी बहन, क्या ट्रेन छूट गया,
उनका ट्रेन छूट गया। बिल्कुल ये सस्पेंस नहीं रखते हो, आराम से बोलने तो दो। उनका ट्रेन छूट गया पहले ही हल्ला, तो उनका ट्रेन छूट गया और वो लोग अब डायरेक्ट एक घंटे बाद ट्रेन है ना, 12:15 या 12:16 में ट्रेन है, वो लोग वो पकड़ के आएंगे। तब तक हम लोग हावड़ा पहुँच कर हम लोग वेट करेंगे। तोता को लेकर नहीं आए इसी वजह से हुआ, तो कोई बात नहीं, उनका ट्रेन छूट, ट्रेन छूट ही सकता है, कुछ करने का नहीं है। आदमी लोग ऐसे रहता है, अपना भाई टाइम लेकर तैयार होकर आना चाहिए। पहले हम लोग को बोला गया था 12:30 बजे निकलेंगे, 12:30 बजे से हुआ फिर 12:00 बजे निकलेंगे, 12 से वक्त 11:30 बजे ही निकलना है। कुछ फिक्स नहीं था, कोई बात नहीं, अब ऐसे बहुत प्यारी लगती है। फिर ठीक थोड़ा तो फिर हम सोचे, मेरे पास लिपस्टिक है, सुनना लिपस्टिक का नहीं, फिर हम सोचे ना कि भाई हावड़ा कोलकाता ऐसे जगह जानी है, वो तो जाते ही चेहरा उतर जाएंगे, छोड़ दो जैसे है वैसे ही चलते हैं। वो होता ही है थकावट से पूरा फेस उतर जाता है। लहंगा खरीदने आई थी, मतलब मेरी छोटी बहन लहंगा खरीदने आई थी, तब ऐसा हुआ था कि हम इनका जब चेहरा देखे इतनी प्यारा सा, मतलब प्यारी सी चेहरा, जब वापस जा रहे हैं, जब वापस जा रहे हैं तो एकदम ऐसे फेस बहुत डल हो जाता है थकावट से, मतलब बूढ़ी बच्ची काली हो गई थी। तो बस यही है, जाते हैं लहंगा वगैरह खरीदते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जो लेंगे, नहीं वैसे थोड़ा मोड़ा क्लिप ब्लॉग वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और क्या लहंगा लेंगे वो प्रॉपर वो नहीं दिखाएंगे, पर हाँ कुछ का सबको व्यूज वगैरह दे देंगे, कुछ ग्लिम्स दे देंगे आपको। राहुल बोल रहे हैं स्टैंड में लगाओ, स्टैंड में लगाओ, बस लगाते हैं इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं और बराबर पुलिस स्टेशन उतरे हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे श्री जगदम्बा बुटीक, क्योंकि वहाँ पर A1 लहंगा मिलता है। हमारे घर का सारा शॉपिंग लगभग वहीं से हुआ है, तो बस जा रहे हैं डायरेक्ट हम लोग श्री जगदम्बा बुटीक चलते हैं। हाँ पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, पसंद आ जाता है, अब देखा जाए टेस्ट, पहले कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि बिना खाए पिए शॉपिंग नहीं होता है, तो पहले खाते पीते हैं फिर निकलेंगे हम लोग। शुभारंभ खाने पीने के साथ ही होगा। तो ये है बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन और यहाँ से इसके अपोजिट हम लोग लेंगे ये जो गली है ना, यहाँ पर क्या हाउस है, सिल्क हाउस बोल के है, इसके ये वाले गली में जाना है हमें। यहाँ पे SBI का ये कॉर्नर है, बस इस जगह पर यहाँ से सीधा जाना है, फिर राइट टर्न लेना है। फिर वही कर दी, यहाँ से जगदम्बा बुटीक यहाँ पर भी है, तो ऊपर हम लोग सीढ़ी जा रहे हैं। यहाँ पे है जगदम्बा बुटीक, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से हमने बहुत सारा लहंगा लिया है, एक और लहंगा आज लेने जा रहे हैं, कैसा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लहंगा पहले ले चुके हैं और उसमें से मुझे सबसे बेस्ट लगा था पिंक वाला लहंगा, जो पूरा आपको दिखा जो सबको पसंद है। तो आज 6 लहंगा हम लोग लेने आए हैं, वो भी मैं कस्टमर को लेकर आई हूँ।
हॉट पिंक में है, उसको उठा के निकाल, इसका ब्लाउज पीस क्या, इसका ब्लाउज पीस आगे निकाल दो, ये तो पसंद आया बट इसका थोड़ा सा सूता वहाँ पे पूरा खुला हुआ है। डबल दुपट्टा है या फिर इस समय सिंगल दुपट्टा सारा है। अगर डबल दुपट्टा चाहिए तो अलग से ना, अलग से परचेस कर आपको जो पसंद आएगा ना आप बोलना तो उसको साइड किया जाएगा। ये हमको ठीक लग रहा है, ये अच्छा लग रहा था बट इसका ना थोड़ा ना ये सब देखते हो, हम जो लिए थे ना रिसेप्शन वाला वो लगे एक बार देखते थे ना बताना। हम लोग जब अपना लहंगा लेके गए थे ना उसमें थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था, तो वो हर लहंगा में आपको मिलेगा। हाँ ऐसा देखने की ज्यादा ना दिखे वो चीज, वो ज्यादा दिख रहा है, ये तो ठीक लग रहा है। आप एक बार लगा के देखना बॉडी में, पहले साइड रखवाते हैं फिर। तो इनको ये लहंगा एक और दिला दोगे क्या शादी के वक्त? शादी के वक्त ले लेना, शादी के बाद पहनेंगे। शादी के वक्त, शादी के वक्त तुम चाहो तो अभी दिला सकते हो, अभी कम रेंज में मिल जाएगा। तो फिलहाल इनको ये लहंगा थोड़ा बहुत सही लगा है। और भी बहुत अच्छा बॉर्डर है, जस्ट सी दिस, नेट पे भी बॉर्डर है और इस पे भी बॉर्डर है, डबल बॉर्डर है ये। बट फॉर ब्राइड हमें दो दुपट्टा लेना होगा। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, एंड दिस वन इज मैचिंग आल्सो विद दैट लहंगा, इसका वेलवेट जो है अच्छा खिल के आ रहा है। ये तो अच्छा लग रहा है। आंची दादा दो मिनट मरून टेक्सचर में नहीं है, मरून वाला नहीं है, मेरा था ना ये वाला बस मरून था, इसको भी दे दिया। इसको भी रखता हूँ, इसको रख, वहाँ रख, यहाँ पे रख, इसको बताइए। कैमरामैन से भी पूछो कौन सा अच्छा लग रहा है, कैमरामैन बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। हमको तो ये वाला लहंगा सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है, कलर की वजह से, कलर और डिजाइन इज ऑल्सो प्रीटी गुड, कलर है ना उसमें थोड़ा सा मल्टी कलर टच भी है। सौ पच्चीस सौ
अब आप बताओ आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? ये प्रॉपर मतलब ना छोटा बूटी के काम के साथ क्या रेंज है इसका बेबी? रेंज पूछना क्या है? ये क्या रेंज है इसकी? 1500 से क्या होगा? सबको सही आप बोलो भैया। दीदी भाई लाल पहाड़ चलवे ना एकदम ही ना 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 लाल पहाड़ रानी पहाड़ सही है ना। लहंगा क्या है ना, आप जितना देखिएगा ना उतना कंफ्यूज अपने रेंज। लहंगा एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं लहंगा लेने के बाद क्या करना है। ये लहंगा मेरे हिसाब से फाइनल हो गया है, तो उसके लिए हम अलग से दुपट्टा भी ले रहे हैं। एज यूजुअल निशा को उसका दुपट्टा कभी पसंद नहीं आया है, अपने भी उसने लिया था, यहाँ पे बहन को भी एक दुपट्टा लेने का सजेस्ट कर दिया, तो देखते कौन सा दुपट्टा आता है। ये आ गया लहंगा का दुपट्टा। এটা চলবে দিদি ভাই ব্ল্যাক এটা আছে সিল্ক বেনারসি লাল ব্লাউজ পিঙ্কি তো দিদি এটা দিদি ভাই সিল্ক বেনারসি বহুত হালকা হ্যাঁ নেট পে দে দু হেভি মে দিখানা নেট পে তো এক কিন্তু রাবার আছে কি কটন টাইপ সে কটন টাইপ সে তো আছে দিদি ভাই পাতলা লাগে সিল্ক টাইপ एकदम सेम नहीं होना चाहिए, सेम आपका सर का जाएगा। इसमें कुछ और है क्या थोड़ा डिजाइन में आप लेकर देखिए हमारे पे इनका हो गया फाइनल दुपट्टा, दुपट्टा के संग प्लस वन दुपट्टा। ये पता नहीं ये कब बनेगी मेरी दुल्हन, दूसरे दुल्हन को तो तैयार कब से कर रही है, सबका शॉपिंग करा रही है। तुम खरीद दो मैं कर लूंगी शादी अभी खरीदो पहले जा तो फालतू बात जाओ पहले माँ से पूछो। माँ क्या माँ तो बोली याद है कल आ जाओ ठीक है ये मैच कर जाना ठीक है ना। चले फिर कालीघाट नजदीक ही है। नहीं अभी नहीं। और पंडित को लेके भी आए हैं क्या बोलते हो जा भैया आप करा देना शादी हमारा ठीक है। हम चल अभी चल लहंगा होते हुए ये लहंगा भी हमने कंप्लीट किया मतलब लेना कंप्लीट हुआ। पसंद है ना आपको? चैनल सब्सक्राइब कर देने। यहाँ पे कुछ पेस्टल सेट्स मिलेंगे। नहीं करना है ओ, हमने लिया अभी अपना वाला भैया से पूछकर। ये है कुछ पेस्टल सेट्स में, मुझे ना वो रेनबो वाला ज्यादा अच्छा लगा है क्योंकि नीचे में है। Thank you.
तो यहाँ पे हमारा लहंगा लेना हो चुका है। उसके साथ मैंने आपको कुछ न्यूड सेट में भी दिखाया, यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है, आप चाहो तो आप यहाँ पे विजिट करके देख लो। और यहाँ पे है ओनर, यहाँ पे पैसा का हिसाब चल रहा है। जब हम तीनों बार लेके गए हैं, कोई ये क्लिप ही नहीं है मेरे पास, दुकान का एड्रेस बताया ठीक है। मैंने उसमें तो वो ये पढ़कर मैंने एड्रेस वगैरह दिया है, वो पिंक वाले लहंगे के लिए बिल का फोटो देना पड़ रहा है। तो बस आज मैं भैया सबको बात भी कराती हूँ, दिखाती हूँ कि कहाँ पे क्या विजिट करना है। मैंने वैसे सब कुछ ओवरऑल क्लिप लिया है, मेरा दिल इस लहंगे पे भी आ गया, ये वाला लहंगा भी बहुत मस्त है। तो बस यहाँ सब निकलते हैं, अब क्या लेना है, गले वाले का लेना तो वो सब कहीं से भी अगर जो आपको आना है तो बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन के पास में आकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारा नंबर दिया है वो उस पर कॉल करने से क्या आपको प्रॉपर पिकअप फैसिलिटी मिल जाएगा, मेरा बंदा जाएगा आपको रिसीव करके ले आएगा हमारे पास, क्योंकि बाहर बहुत सारे ब्रोकर रहते हैं जो मिसगाइड करेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे जगदम्बे बुटीक बोल के क्या कोई सिंह अलग अलग शॉप में आपको विजिट करा देंगे, जो लोग क्या रिटेल काउंटर पे आपको विजिट कराएंगे, जो आपको यहाँ पे लहंगा देख सकते, इतना गोल्डी सिल्क का जो लहंगा है जो मिनिमम प्राइस में सेल होता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि एक पीस में ये सैंपल भी दिखा दूँ जो दीदी ने अभी जस्ट परचेज किया है, ये सब लहंगा का आपको 30,000-40,000 उस काउंटर में बोला जाएगा, उस पर आपको 20% डिस्काउंट 30% डिस्काउंट ऐसा बोल करके आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैंने अपने घर का शादी एक हुआ, मैंने सारा लहंगा आप सबको पता है बताने की जरूरत नहीं है, सारा लहंगा मैंने यहाँ से लिया है, और मेरा वो पिंक वाला लहंगा जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स पूरा भरा हुआ है वो लहंगा भी मैंने यहीं से लिया है। तो ये भैया थे देने वाले, आप कहीं से भी आइएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर है, हमारे शॉप का नाम है श्री जगदम्बे बुटीक जो होलसेल काउंटर है हमारा, तो आप कहीं से भी आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करिएगा, प्रॉपर आपको पिकअप फैसिलिटी मिलेगा, और आप कहिएगा आपको होलसेल रेट में जो भी चाहिए आपको परचेज करके आराम से। लहंगे के साथ यहाँ पे दुपट्टा हुआ, साड़ी हुआ, आप सब कुछ ले सकते, मैंने यहाँ से दो साड़ी लिया हुआ है तो वो सब भी आप परचेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा दुपट्टा जो होता है दुपट्टा भी सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लहंगा लेना हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल गए, पहले कुछ खा सकते हैं क्योंकि खाना बहुत जरूरी है, और खाने के लिए माँ आने वाली थी क्योंकि यहाँ का चाउमीन आप लोगों को पता है कि बहुत फेमस है, बट माँ नहीं आई, माँ को थोड़ा सा टाइम में दर्द है, तो बस अब यहाँ से निकल गए, निकल कर क्या लेना है देखते हैं, पहले आगे खाते पीते हैं, उस स्टॉपेज पे रुकते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो जगह श्री जगदम्बा बुटीक, ये सारी आप लोग आओ यहाँ पर, एक लहंगा लेकर जाओ भाई, आप लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं चाउमीन पार्टी, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चाउमीन पार्टी, मिस कर रहे हैं माँ को, मिस कर रहे हैं क्योंकि माँ को यहाँ का चाउमीन बहुत पसंद है, उनके लिए पैक करा के लेकर जाएंगे, माँ आपके लिए चाउमीन लाएंगे। आप हम लोग चूड़ी लेने आए हैं, हम लोग बिहारी में एक लहठी टाइप का कुछ होता है इस टाइप में, चूड़ा चूड़ी ये सब लेने आए हम लोग, ये सब लेते हुए हैं, और चूड़ी का डब्बा नहीं लिया ना, एक हम तो बोलेंगे लहंगे जब तुम शादी करने बैठोगे ना घर में तब पहन लेना, और इसमें तुम अलग पहन लेना, लहंगे के साथ अलग बोलना, और साड़ी जब पहनोगे ना तब लहंगे पहन लेना, तो बनाया वो तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि लहठी जो मतलब जो बन के आता है हम लोग का क्या चूड़ी बोलते हैं इसको, लहका चूड़ी लहठी या फिर लहका चूड़ी, हाँ भैया हेल्प कर रहे हैं, वो शादी जब बनने बैठेगी ना पीला साड़ी तब वो पहन लेगी, और इसके लिए पंजाबी, हाँ ये तो पंजाबी चूड़ा है, तो ये हम लोग का जब वो लहंगा पहनेंगे ना वरमाला टाइम वो ये पहन लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा बाजार का सारा काम हमारा हो चुका है, और यहाँ पे पीछे चल रहा है कब सब गॉसिप चल रहा है, और अभी हम जाएंगे धर्मतला जाएंगे, वहाँ से चूड़ी वगैरह लेना है, और क्या लेना है वहाँ से गला का सेट वगैरह लेना है, तो वो सब जा रहे हैं अब लेने के लिए, मेरे पैर में बहुत दर्द है बहुत, बस से उतर कर कुछ देर का वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर उन्होंने धर्मतला के उधर पे पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे सब कोई कहाँ घूम रहा है, सरस्वती पूजा घूम रहा है, सरस्वती पूजा में नहीं। और राहुल का आज जब से तुम्हारा ये लगा है उसके बाद
ये पहला टाइम है जहाँ पे राहुल और सरस्वती पूजा के दिन मेरे साथ है। नहीं, लास्ट 2019 के बाद पहले बार है। 2019 में उसका नौकरी का ये हुआ था, तब से वो पहले बार है। मानना पड़ेगा, पहले बार में क्या कर रहे हो? बहन का शादी है, शॉपिंग करना भी जरूरी है, फिर हम चले जाएंगे। ये सबसे जरूरी जाएगा, ये सबसे जरूरी काम था। ये शादी है उसका, तो पहले लहंगा वगैरह सब खरीदा दिए और ज्वेलरी ले लेते हैं, सबसे मेन काम हो जाए। ओझा बहुत एफर्ट दिया भाई की शादी के लिए, बहुत किया, तो करना तो भाई बनता है। तो बस अब जा रहे हैं, अब एकदम सामने में है। अब इसके बाद मेरे कैमरा मैन मेरा कैमरा पकड़ने वाला है, चार्ज ले लिया है कैमरा का। चलिए कैमरा मैन कैमरा का चार्ज ले लिया है, अभी चलते हैं वीडियोस वगैरह देखते हैं मैडम लोग क्या लेती है। मोस्टली गला का हार वगैरह लेना है बहन के लिए, तो कवर अप करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग धमतला पहुँच चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं शॉपिंग। यहीं से अपने गले का और ये सब लेकर जाती हूँ, तो आते हैं देखते हैं। उसका लंबा हार है, लड्डू देगा उसको, माथे का ये हाथ का दस्ताना है, ये नाक का नथिया है, माथे का टारटी का है, कान का झुमका है, ये बाजू बंद है, पूरा कंप्लीट सेट है, ठीक है। लेकिन ये महंगा वाला सेट कितना है? इसका दाम है आपका 4,100 रुपये, महंगा वाला सेट। और इसमें बहुत सारा पैटर्न मिल जाएगा, इसमें और बहुत तरह का मेरी पिंक मिल जाएगा। आप देने वाला दाम बोलो तो, देने वाला दाम ये वाला लीजिएगा तो एक ही दाम बता दें। तो यहाँ पे मैडम बार्गेनिंग करके फाइनली ये हार ले चुकी है, प्राइस नहीं बताएंगे वरना मार खाएंगे। और ये सही में बहुत अच्छा है, बहुत एलिगेंट है, बहुत क्लासी है। इसमें एक बड़ा वाला हार है सबसे मस्त तो ये है, ये सबसे सही है। और इसके साथ पूरा सेट जो भी दुल्हन को जितना भी लगता है सब कुछ पूरा सेट मिल रहा है, नाक का नथ से लेकर बाजू बंद तक भी है, और हाथ का ये जो होता है ना ताना वो भी है, तो बहुत मस्त। तो भैया का दुकान यहाँ पे है, ये आप देख सक रहे हैं स्पाइडरमैन वाला बना हुआ है, इसके पास में ही न्यू मार्केट का बोर्ड लगा हुआ है। ये मेरा ये बैनर है और ये भाई यहाँ मिलेगा, भाई का ये बैनर है, नेम ज्वेलर्स न्यू मार्केट बटम स्ट्रीट गेट नंबर 39। मैंने शादी वाला भी पूरा शॉपिंग जितना भी है वो मैंने यहीं से किया था, जो मैंने पिंक वाले लहंगे पे जो भी मैंने पहना है सब कुछ मैंने यहाँ से लिया था। तो आप आए, इसको देखिए
सब देखिए देख रहे यहाँ पे चल रहा है चेकिंग, कहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं है, यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सब चेक कर लो, बाबा चेक करना जरूरी है। ये ठीक है ले, सब सब ठीक है, खाली स्टैंड फोन लगा हुआ। पसंद है? हाँ हाँ। किरण पसंद है? आंटी ठीक है? ओ या चाचा ऑल गुड। चलो भाई, तो यहाँ हमारा लगभग शॉपिंग कंप्लीट हो गया है। हो गया। और इस शॉपिंग के चक्कर में, मतलब बहन को शॉपिंग कराने के चक्कर में मैंने भी अपना हाथ मार लिया। मैंने सारे स्टोल वगैरह लिया, वाला ठंडा वाला कुछ ले लेते। चलो ठीक है ले लो। और भाभी के लिए प्लाजो, मेरे लिए प्लाजो, मैंने ये सब लिया। प्लाजो अच्छा पसंद नहीं आ रहा था, और लेते बस एक एक ही लेना पड़ा। कोई नहीं, वापस फिर आएंगे कभी। तो अभी आज का इतना शॉपिंग क्लोज करते हैं, प्यास बहुत लगा है। तो पीते हैं स्प्राइट, सीधी बात नहीं, स्प्राइट सीधी बात, नो बकवास। माधव ज्यादा पी जाएगी, स्प्राइट पिलाते हैं। यहाँ पे ये लोग अपने पीने के लिए लिया है, स्प्राइट कम पिए इसलिए हम स्प्राइट लिए। बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ऑलवेज क्या लेना है? टॉली माजा, और मैं एक माजा पी चुकी हूँ पहले ही, दो मुझे भी आप पहले पीजिए। ये बोली नहीं पिएगी, ये तो पी रही है। तो इन लोगों का शॉपिंग हो गया है, बस में बैठ के अभी है बैक टू चले। हम बड़ा बजा जाएंगे, लहंगा लेंगे, लहंगा लेकर वापस। बाबा जगदम्बा बुटीक बैग चेंज कर दिया, तो हमारा आज का शॉपिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम हावड़ा आ चुके हैं और घर रिटर्न घर जा रहे हैं। तो बस घर पहुंचते हैं फिर मैं आपको मिलवाती हूँ, सब मिलवाना कुछ नहीं है, घर पहुंचते हैं फिर ब्लॉग को एंड करना है। बस थक गए, बहुत थक गए, पैर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस चलते हैं। और आंटी राहुल माजा नहीं खरीदे, आंटी माजा खरीद के दिया हमको। आंटी मत बोलो, सासू माँ है, सासू माँ मम्मी है, मम्मी है, मम्मी माजा खरीद के दी, मम्मी वाली सासू। बस मैं अभी घर आई और आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह मतलब बहुत सुबह पहले से उठी हुई थी मैं, आई थिंक 5:30 बजे के लगभग। तो पूजा था, सरस्वती पूजा, तो वो सब पूजा वगैरह हुआ, उसके बाद मैं मार्केट निकल गई। तो सच्ची बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, तो बस कुछ नहीं, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए देन आपको पता है कि क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो बाय।